यहाँ पे हम कूलर जो एयर आउटलेट आ रहे हैं आपको वो ऑब्जर्वेशन में, एक तो इसका एरिया है मेजर करना आपको लेंथ एंड विड्थ का, ये डक्ट एरिया है और ये एनिमोमीटर का वो है इसमें, ताकि उससे आपको मास आप अभी ये दे रहा है डायरेक्ट आपको वेलासिटी दे रहा है एयर फ्लो का, लेकिन हमें चाहिए मास ऑफ एयर चाहिए, हम उसको कन्वर्ट करना मैं उसमें फार्मूला दे रखा आप इसमें चेक कर लीजिए एरिया इसका गिवन होगा ना। नहीं इसको एक बार इफेक्टिवनेस स्कोर में इसका मतलब क्या है, क्या सेंस होगा इफेक्टिवनेस का, मैं दिखा इसमें मेन क्या है, मैं रोल आपको दिखाता हूँ डोमेस्टिक कूलर ह्यूमिडिटी क्या परसेंटेज है वो बताएगा, ये आपका एयर फ्लो के लिए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, एयर इनलेट एंड एयर आउटलेट का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मीटर बताएगा। नाउन क्वांटिटी वाटर फिलअप कर दीजिए बिफोर टेस्ट, वो क्या आपको नाउन होना चाहिए, कितना लीटर आपने वाटर भरा, जब आपका कुछ टेस्ट हो गया फिर वो सारा पानी कलेक्ट होने के बाद वो क्या है, ये तो आपको यहाँ पे एक लेवल प्रोसेस है, यहाँ पे एक मैनोमीटर टाइप का लगा होना चाहिए। अब सर देखिए आपका ना एयर ये नॉर्मल आप बिफोर टेस्टिंग तो एयर तो हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किया, ये आपका इनलेट एयर क्या है ऑलमोस्ट पीछे ये सब यही रहेगा सर सर ठीक है। अब एयर आउटलेट का चाहें तो आप इसको कहीं पे भी आप इसको टच कर सकते हैं, इसमें ये तो आप ऐसे लॉक कर दो या तो ऐसे सिंपल, ये तो कहीं ये तो कोई सप्लाई वगैरह नहीं रहता इसमें, वो तो सिंपल थर्मोकपल है इसमें, फिर उसका टेम्परेचर बताएगा। अब इसको पीछे करोगे तो या तो आपको बाहर निकाल के इसको टेस्ट करोगे फिर वो टेम्परेचर। अच्छा पॉइंट एक है इसको हम इधर उधर करें, हाँ इधर कर सकते हैं। अभी सर को मैं बोला भैया अगर सर बोलते दो थर्मोकपल लगा था हम इसको भी प्रोविजन यहाँ पे एक स्विच जैसा इंजन में लगा ऐसे एक स्विच भी आपको फिट कर देंगे। हाँ तो वो करें वो हो जाएगा सर, वो हमारे पास उसका है सेंसर भी एक्स्ट्रा है, वो एक्चुअली अगर एक पंप ऑन कर दिए तो हमको तो पानी भरा है, पानी है चाहे इसको लो पे रखो हाई पे रखो तो आपका यूनिवर्सिटी तो हमारे पास है मेजर करने के लिए। रखता हूँ अनला गया, अगर आपको अनला के चाहे तो हम अनला जो इससे भी समझो